वदूद वदूद जो है ना गटर में गिर गया है, पता नहीं कब से खुला हुआ था ढक्कन। या मेरे महबूब, मेरे बच्चे की हिफाजत कीजियो। एक ऑफर दे तुमको, हमको दामाद बनाओगी ऐसे बड़ी वाली दे दो। हमारी जो बुढ़िया है ना किसी काम की ना है। प्लीज मैं जल जाऊंगा, प्लीज प्लीज नहीं। सुनो, हलवा लाई थी तुम्हारे लिए हंडों का। अच्छा, अम्मा तुम चीनी लेके अंदर जाओ, अब मैं अंडे का हलवा खाऊंगा। अपने हाथों से निवाले बना के खिलाऊंगी अपने फ्रेंड को। अल्लाह, तुम जाओ ना, तुम्हें वैसे भी रूह अफ़ज़ा और मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, और रूह अफ़ज़ा तो वैसे भी अपनी बातों में अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा करती है ना। Yes, he's right. दामा, मेरी अंग्रेजी नहीं उर्दू भी बहुत अच्छी है, अच्छी तरह जानती हूँ। What is kutama? Please mind your language. She is very fair. अल्लाह वजूद, बहुत अफसोस हुआ तुम गटर में गिरे तो। देखो ना रोजाबाद जी, मेरा रिश्ता रह गया, इतना प्यारा लग रहा था और मैंने खुशबू भी लगाई थी। कौकाबाद जी का नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे से गुजर गया था, आज सेब का साया है ना वहाँ पर। हाँ, मगर आसेब तो खुशबू लगाई हुई औरतों पर आशिक होते हैं ना। हाय रूह अफ़ज़ा बाजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको मुझ पर औरत का गुमान हुआ और जब उन पर मेरी असलियत खुली तो उन्होंने इंतकामन मुझे धकेल दिया। हंसो तो नहीं। मगर एक बात जरूर तस्लीम करूंगी कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बहुत अधूरी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बचपन की कोई सहेली बिछड़ गई हो। अरे छोड़ो ना, तुम खामखा शादी ब्याह के चक्कर में उलझ गए हो। शादी तो बड़ी बोरिंग चीज है यार। नहीं रोजा बाजी, शादी तो बहुत जरूरी है, मेरे बच्चे होंगे, मेरे मुस्तकबिल का सहारा बनेंगे। अहे, तुम्हें अम्मी जान कहलाने का बड़ा शौक है। अम्मी नहीं, अब्बू, मैं तो उनसे डैडी कहलवाऊंगा, डैडी। अच्छा ना, तुम तो बोर करना शुरू हो गए हो। आज रोजा बाजी हम फिर जाएंगे, दुआ करना सब कुछ ठीक हो। अहे, तुम तो बिल्कुल तैयबा जैसी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। सर सैयद में पढ़ती थी, बड़ी गहरी सहेली थी मेरी, मगर जिस दिन से उसकी बात पक्की हुई उसने मुझसे दूसरे लड़कों की फिल्मों की और मेकअप की बात करनी छोड़ दी। हर वक्त अपने मंगेतर की बातें करती रहती थी यार। मैं तो कोई ऐसी वैसी बोर होती थी कि मत पूछो, उससे तो मैं कुछ नहीं कहती थी, मगर दिल ही दिल में ऐसी ऐसी बददुआएं देती थी। और हुआ क्या, शादी से दो दिन पहले उसके मंगेतर का हाईवे पर ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ कि अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते टाए टाए फिश। मेरी तो बड़ी काली जुबान है ना वदूद, वो भेंगी फरीद की शादी में सईदा खाला ने मुझ पर बहतान लगाया कि मैं उनके दामाद से जबरदस्ती टकरा गई हूँ। मैंने उसको अपना नंबर दिया है, फोन करके कहा है कि सईदा खाला की सारी लड़कियाँ दो नंबर हैं, शादी के लिए आप हमारे घर से रुजू करें। रोजबाजी, ये बोतान कब हकीकत ज्यादा लग रही है। खैर थी तो हकीकत, अब तुझसे क्या छुपाना। मैंने भी भरे खानदान के सामने सईदा खाला को हाथ उठा उठा के बददुआएं दी। खुदा करे कि तुम्हारी सारी लड़कियां उजड़ उजड़ के घर आ गई। और हुआ क्या, दुर्दाना के मियाँ बाथरूम में गया तो अंदर ही कैं हो गया। रिजवाना के शोहर परवेज की निहारी खा के जो तबीयत खराब हुई तो बस वहीं बैठे बैठे कैं हो गया। बाकी बची इरफाना, तो वो एक शादी से लौट रही थी कि डाकुओं ने धर लिया। डाकू से कहने लगे, उतारो सारा जेवर नहीं तो तुम्हारे मियाँ को गोली मार देंगे। उसने कहा, मेरे मियाँ को मारना है तो मार दो, मगर मैं अपना जेवर नहीं उतारूंगी। डाकुओं ने उसकी बात पर ध्यान दिया और उसके मियाँ को मार दिया। तो ऐसी खतरनाक जुबान है मेरी, आज जब सईदा खाला मुझे किसी शादी में देखती है तो डर के मारे कांपने लगती है, इधर उधर हो जाती है। रोजबा जी, तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम तो मेरे लिए अपनी काली जबान इस्तेमाल नहीं करोगी है ना। देखे
करेंगे, सोचेंगे, ऐसा ना हो कि लोग हमें नजरअंदाज करके दूसरों का चारा डालें। तुम तो मेरी अच्छी रोजाबाजी हो, तुम्हारी जगह कौन ले सकता है? मैं अपनी प्यारी सी मोटी सी गबलू सी कुछ कुछ भेंगी सहेली को अपने हाथ से हलवा खिलाती हूँ। तुम्हें पता है ना ससुराल वालों के लिए अलैदा हलवा बनाया था, ये अलैदा है तुम्हारे लिए। ए जी, खुद को जरा फिट रखो। वो अतिका और जो है ने अपनी उम्र 43 बतावे है, मगर कहीं से लगे है और अच्छी हो गई है। अंकल आप अपनी उम्र देखें, क्या आने जाने वाली लड़कियों पे तबसरे करते रहते हैं। शकल तुम्हारी प्यारी है, अगर तुम डैटिंग करो ने तुम्हारी शक्ल एकदम बाबरे शरीफ जैसे हो जाएगी। मुझे नहीं पता कौन सी पुरानी हीरोइनों के बारे में आप कहते हैं, आई डोंट नो, है ना? एक जिस्ता जस्ता। चलो ना बाबू, तुम जो भी हो, तुम्हारी आंखों को हम बहुत गौर से देखा है, बहुत खूबसूरत आंखें है तुम्हारी। कहा तुम्हारे खानदान में किसी की आंख नीली था? अगर खानदान में कोई गुजरा भी होगा तो उसका मेरी नीली आंखों से क्या ताल्लुक? तुम ना समझोगी, ये बहुत मुश्किल बातें हैं। अगर तुमको इतराज ना हो तो कल तेज तुमको छत पर योगा सिखावेंगे। बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं, लड़कियों से बात करने की कोई तमीज नहीं है। प्यारी लगती है। अस्सलाम वालेकुम नन्ही आपा। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या फजूल काम कर रही हो, अच्छे भले स्वेटर का सत्यानाश कर दिया। ये तो हम लाइट हाउस जामे हैं, हुआ से पुराना स्वेटर लेके आवे हैं, उका उधेर के नए डिजाइन का बुने हैं, उन बेहतरीन हुए हैं ने बाहर वालों का। अरे बड़ा फालतू वक्त है नन्ही आपा तुम्हारे पास। अरे बहू की भी फिक्र करो, नहीं तो वो बेरा रवि का शिकार हो जाएगी। हाँ कैसा बेरा रवि? अरे गैर मर्दों को हलवे खिलाए जा रहे हैं और जानबूझकर उंगलियां मुंह में गुजारी जा रही हैं। खुल के बात करो ना अकीला भाभी, हमारा दम निकला जावे है। नीचे से आ रही हूँ, खाला के बेटे को हलवा खिला रही थी रूह अफजा। तोबा तोबा, इतने नजदीक पास पास बैठे थे कि मैं तो शर्म गैरत की वजह से मुंह फेर रही। मगर वो तो कहवे है कि बदुआ हमारा सहेली है, वो है भी तो हिलजुल सा। अरे पूरा मर्द है मर्द, शादी के वो अरमान है दिल में कि मत पूछो, बड़ी आग लगी हुई है उसके दिल में शादी की। जब मर्द इस सिचुएशन में हो ना तो वो जवार भाटा बना हुआ होता है। अरे जान बूझ कर वो औरतों के अंदर घुसता है। ये अच्छा है भाई, मर्द को सहेली बना लो और खुद को महफूज कर दो। ए अल्लाह, तुम जैसे दिमाग चलिए और बेअकल साथ तो सबको ही दे। ये तो ठीक कह बहु अकीला भाभी, मगर अरे अगर मगर को मिट्टी डालो। ए तुम्हारी बहू रूह अफजा पूरी फिल्म की फिल्म है। अरे किसी के किरदार पर बातें नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आंखों देखा है कि वो जब भी किसी गैर मर्द को देखती है ना तो पूरे बाल मुँह पर डाल लेती है और जान बूझ कर ना कंधे से कंधा टकराती है। हाँ और फिर बड़े बड़े दारों से की हंसती है। पता है वो आदमी जो गैस का मीटर ठीक करने आया था, वो जलवे भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मैंने देखा कि वो जब अपने हाथों से उसकी तरफ चाय की प्याली बढ़ा रही थी ना तो जान बूझ कर हाथ टकरा रही थी उससे। हाँ अरे खाला, हमें तो तुमने चाय के साथ कभी बिस्किट खिलाए नहीं, लेकिन उसको जेली के बिस्किट
जेली की बिस्किट के साथ चाय पेश की जा रही थी। हाँ, गैस का मीटर वालन का चार पिलावे का कार्तुक है। वो मनहूस बिजली और गैस पे कीमत बढ़ाए जावे हैं और यहाँ उनका चार बिस्किट ठुसाए जावे हैं। हाँ, तो ये अपनी बहू से पूछो ना। This is a new hairstyle Rooh Afzaa making. खिलखिली को देखकर चुपके से भमले ने कहा, ओ मेरी जवान आ जा कहा दिल ने, जा oh no, don't be silly, हाँ, don't be silly, हाँ। Good afternoon, खालेजान। अमीजान आदाब। सुना है अकीला खाला, आप बहुत सारे लोगों की शादी करवा रही हैं। कहा तुमका बहुत बुरा लग रहा है। मुझे क्यों बुरा लगने लगा? After all, she is my friend. मेरा मतलब है, he is my friend. आप दोनों को he और she में कौन सा बड़ा फर्क लगता है? रोजा कहाँ गई थी? हंडों का हलवा बनाया था, वजूद के लिए लेके गई थी। तो अपने हाथन से खिला भी देती। वही तो करके आ रही थी। अब उससे क्या पर्दा? You know, I am very open with him. मेरा मतलब है frank, me वदूद frank, both. नहीं, मेरा मतलब है deep friendship है हमारी। हाँ, so late. तू अब tired. ओके अकीला खाला, बाजी भाभी, गुड नाइट। ओके अम्मी जान, गुड नाइट, स्लीप टाइट। मैं कमरा ही भूल गई। अल्लाह तोबा, इतनी बेहियाई, इतनी बेहियाई। अरे नन्ही आपा, बेटे को बताओ उसकी करतूत। पानी सर से ऊंचा हो गया है, ऐसा ना हो कि सैलाब आए और तुम सब डूब के मर जाओ। मेरा मतलब है कि डूब जाओ। अब क्या किया जावे? ई पर तो डांट फिटकार का भी कोई असर ना हो बह। पता नहीं मकसूदवा का कौन सा कमजोरी का हाथ में है कि मकसूद हुआ आवे तो एकदम ऊपर से है पर एकदम नीचे बैठ जावे है। ए, बहुत बदजबान है ना, जो मुंह में आता है बक देती है। पर ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि मुंह से मुंह मिला के बैठ जाए। देखो नन्ही आपा, तुम और तुम्हारा बेटा उसको इस शक का फायदा ना दो कि वो बाजी या सहेली नुमा कोई चीज है। बता तो रही हूँ शादी के लिए बावला हुआ जा रहा है, फनी द्वार से बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा अब चलूंगी, हांडी भी तो चढ़ानी है, बहू के बच्चा होने वाला है, वो तो सारा दिन बिस्तर पड़ी रहती है भैंस की तरह। अरे तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। अब का बता, मैं कल का टिंडा का सालन और थोड़ा सा मूंग का दाल पड़ा है, हम चार जनों के लिए मुश्किल से पूरा होगा। अब तुमका बाबू कहाँ से दबंगे? अरे माफ करना नन्ही आपा, तुम देने दिलाने के मामले में बहुत ही कंजूस हो। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें खिचड़ा बिरयानी भिजवाई और उससे पहले पूरी और खीर भिजवाई, और जब तुमसे मांगो तो टका सा जवाब मिलता है कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ चार आदमियों के लिए खाना है बस। अरे नन्ही आपा, इतनी कंजूसी मत किया करो, अपना दिल बड़ा करो, इतना तंग नहीं करो कि अल्लाह मियाँ रिस से ही हाथ उठा ले तुम्हारे। अरे इन्हें हमें खबरें दें, इतला दें, इनकी बहू के बारे में रिपोर्टें दें, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? ठेंगा। अरे तू काहे अंगारों पे ताता थैया करे है? अरे हमरा मर्दी, हम तो का देवे ना देवे है, हम पर का जोर है। और एक बात साफ साफ बता देवे हैं, तुमरा बेटा की तरह हमरा घर में हराम का कमाई नहीं आवे है। अरे चल पहले अपना किबला तो सीधा कर, बहू तेरी आवारा, मियाँ तेरा बदकिरदार, हर जवान लड़की को देखकर गंदे गंदे झूले बोलता है। तो का नहीं बोले है ने, ये बात का आग लगा है तो का।
मैं तो घर घर में मशहूर करूंगी कि तुम्हारी बहू आवारा है। हाँ अरे जा जा कर ले अपना शौक पूरा, वैसे बहुत भिकारियन वाला आदत है तेरा। आपा ई दे दो, आपा उ दे दो। अरे पता नहीं कौन सा शौक से आई है, हर वक्त मांगने तांगने में लगी रह वह। पता नहीं नन्नी आपा किससे पंगा ले रही हो, सर पकड़ के रोगी। हाँ अरे जा निकल यहाँ से, पड़ी रे मोटी बिहारन। खुद इतना इन लोगों के लिए करो, दिन दिमाग खराब होता है इनका। हाँ आए कैसे। ठीक हूँ, पता नहीं क्यों तबीयत खराब थी। मैं लिखती हूँ खुद, मुझे नहीं अच्छा लगता मैसेज का जवाब देना। मैं पता है बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बताती नहीं हूँ, एक्सप्रेस नहीं करती अपने जज्बात को। हाँ आप खुद ही समझ जाएं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं 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 ना। अच्छा अच्छा एक मिनट, जरा संभल के मेरी गुड़िया रानी, जरा संभल के। तुम्हारे अंदर कोई शर्म गैरत है कि नहीं? हम तो मोहब्बत में तुमको गुड़िया रानी कह रहे हैं, इतना गुस्से में काहे भरी भी हो? बड़ा फिट रखा है तुमने माशाल्लाह, अच्छी लगो चूड़दार पजामा में। हाँ खुशबू कौन सी लगा वो, ऐसी खुशबू की हमारी नाक बंद हो गई। यही तो अच्छी खुशबू की निशानी हो गई। इतने जूते मारूंगी तुम्हारा सर मजीद गंजा हो जाएगा अगर तुमने मुझसे फजूल बात की तो, समझे? बाप के बराबर हो मेरे। हाँ, इतनी लंबी लंबी काहे छोड़ रही हो, काजल अच्छा लग रहा आंखों में। अरे जा जा अपनी बुढ़िया बीवी की तारीफ कर, कम बखत कहीं का। अरे हमारी जान वो तो तारीफ के नहीं ताजियत के काबिल है। आय हाय क्या चाल है मेरी जान, माशाल्लाह कसाई हुई। कितने रह गए हैं, मुझे नहीं करने वाले। बस ये शलवार निकाल लो ना इसमें से। कौन से वाले? आए हाय हाय देखो तो कैसे अंगलाई दे रही ये गंजी औरत। वो जो फिल्म नहीं है वो 1947 लव स्टोरी है, कौन सी? हाँ उसमें उसमें जैसे मनीषा कुरानी लेती थी यूं करके अंगलाई, बिल्कुल वैसे ही लग रही है। वो गाना क्या था उसका? मुझे तो इसकी अंगड़ाई में ना मसर शाइन वाली वल्गैरिटी लगती है। जब मैं अम्मा के साथ ना ये दुल्हन एक रात की देखने गई थी ना, और जब जब मसर शाइन स्क्रीन पे आती थी ना, अम्मा मेरी आंखों पे हाथ रख लेती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। हाँ भाई चल रही हो तुम लोग? ये आवाज किस कौन मर्द है भाई? मेरे लिए लड़कियां देखने के लिए। अरे कैसी मर्दाना आवाज निकाली है तुमने, अजीब सी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मोटी औरत के मुंह पे ना जवाद अहमद की आवाज दब कर दी गई हो। वो चलती है मेरे सॉस की। जी नहीं अब मुझे खासी प्रैक्टिस हो गई है, मर्द की चल के दिखाओ। हाँ दिखाओ दिखाओ देखो। हाँ दिखाओ डूम डूम डूम। अरे बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। माशाल्लाह इसी बदनामी पर वीना मलिक ने कैसी इज्जत कमाई।
कतरनार करके सिंगारे। सुनो अब मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई है, मर्दाना तरीके से चल के दिखाऊं? दिखाओ। देखो ढुम ढुम ढुम। बात सुनो, इस तरह हंसने की जरूरत नहीं है, ये अपने थल थल करते हुए मेरे सामने थल थल आया करो। चल गई ना मेरी चाल देख के, देखना शादी से पहले मैं मूछे रख लूंगा। मूछे तो रख लो ना, मूछे किसने मना किया है? क्या हमने मूछों वाली बाजियां नहीं देखी? ये गंजी दुल्हन कैसी लगेगी? और तुम लोग जो लौंडे लपाड़ों की तरह हंसती हो, माफ करना तुम लोगों में से निस्वानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। और ये तो शक्ल से बिल्कुल गफूर दूधवाला लगती है, अगर इसको बनियान और लुंगी पहना दी जाए ना तो अल्लाह की कसम ये गफूर दूधवाले का जुड़वा भाई लगेगी। इन नीले लेंसों के बाद मैं क्या चीज बन गई हूँ इसका मुझे अच्छी तरह एहसास है मिस गंजी बला, तो इसलिए मेरी क्रप बहन मुझे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला मत करो। शुक्र है इसको कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, नहीं तो इसकी जगह कोई और होती ना तो कभी खुदकुशी कर चुकी होती है ना। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं, सुबह से शाम तक बस स्टॉप और क्लिनिक में होती हूँ और मुझे ये पता है कि नीली आंखें पाकिस्तानी मर्दों को किस तरह अपनी तरफ खींचती हैं। आए बहन, औरतें खींचती हैं और इन नीले लहसों में तुम बिल्कुल खुसरों की गुरु लगती हो। क्या टांग मार दोगे तुम्हारे मुंह पे? वैसे मैं एक बात नोट कर रही हूँ, जब से मैंने नीले लेंस लगाए हैं ना सारी औरतें जल जल के मर गई हैं। वो क्लिनिक वाली नसरीन है ना, वो तो जल जल के ऐसी हो गई है कि पूछो मत ही। जब उसका शौहर मुझे गौर से देखता है ना तो वो अपने शौहर को धक्का दे देती है। मैंने भी इंशाअल्लाह ताला नसरीन का शौहर ना छीना तो मेरा नाम भी खजस्ता जहान। जरा देखो इस डाइन को कैसे दूसरे के शौहर छीनने का नापाक इरादा रखती है और साथ में इंशाल्लाह भी कह रही है बेगैरत। नसरीन का शौहर पागल नहीं जो किसी एक बदरू की चुंगल से निकल कर दूसरी बला के गले लग जाए। अच्छा सुनो, लड़की वालों के जाके ना ज्यादा भौंकना मत कि मैं गटर में गिर गया था, काफी मायूब लगता है। हम तो बताएंगे कि ये गटर में गिरा था और गटर में इतनी गंदी गंदी चीजें थी कि जब ये वापस निकला था तो अल्लाह प्लीज इतनी बेहूदा बातें मत करना। अच्छा सुनो सुनाओ। सुनो मैं तुम्हारी ना ग्रूमिंग करता हूँ। तुमने चिकनी से मिली वाला गाना देखा है कतरीना कैफ का? हाँ। कितना हसीन लाइनर लगाया उसने। हाँ। मेरे को वैसा लाइनर लगाओ तुम। तुम ना मुझे रूह अफजा बाजी से ना ज्वेलरी भी ले देना, उस कमीनी ने देते देते वापस ले ली थी। अरे पक्का वादा। अच्छा सुनो, अगर तुमने अब बदतमीजी की ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम गटर में गिरे थे। और देखो गंदी गंदी बच्ची नहीं बनना, ठीक है? बच्चा कहो ना, आई एम प्योर मर्द, प्योर। ये कहां से आवाज निकालता है इतनी अजीब सी? मैं बताओ ए बीबी, नहीं हमारा घर है, हम शरीफ लोग हैं, भरी दोपहरी में नीरज भाव करो हो तुमको शर्म नहीं आवे है? अरे ऐसा वाहियात रक्स, ऐसा बेहुदा ठुमका, तोबा तोबा तोबा, अरे तुम तो हमारी इज्जत मलिया मैट कर दोगी। ये इज्जत किस चिड़िया का नाम है? और उस वक्त आप लोगों की इज्जत कहाँ चली जाती है जब आपके मियां मोहतरम गेट पे लटक के हर आती जाती औरत के बारे में फहश किस्म के कलमात अदा करते हैं, बल्कि फहश इशारात भी करते हैं। और ते तो वो औरत है जो गैस का मीटर वालों को भर भर के काली चाय पिलाती है, बिस्कुट खिलाती है और हंस हंस के बातें करती है, दांत बड़े बड़े निकाल निकाल के।
हाय अल्लाह अम्मी जान, मेहमान नवाजी भी कोई चीज होती है। अब बेचारा कोई थका हारा गर्मियों की दोपहर में गैस का मीटर चेक करने आ जाता है और उसे चार बिस्किट और चाय दे दी तो कौन सी कयामत आ गई। सच कह में है, औरतें ही मर्दों को बिगाड़ती हैं, फिर बाद में उनको बुरा भी कहती हैं, बेहुदा कहती हैं, बेइज्जत कहती हैं। तो तुम्हें इतनी औरतों से नफरत क्यों हो रही है? हैं? तुम क्या औरत नहीं हो? तुम मामू मुस्तकीम या खालू तजम्मुल हो? हाँ, वो कौन है? हमारे खानदान के मर्द। और खालू तजम्मुल तो मुझे गोद में उठा उठा के घूमा करते थे। ऐ रूह अफ़ज़ा, ऐ कब की बात है, कहाँ बोल रही हो? कहाँ कह रही हो, कब की बात है? दो चार बरस पहले की बात है। अरे क्या चरिया आ गई है? भाई जब मैं छोटी सी थी, प्यारी सी मोटी सी गपलू सी थी, घूमती फिरती रहती थी। हाँ, उस वक्त वो मुझे गोद में उठाकर घुमा करते थे। अरे तेरा किरदार के बारे में तो बातें हो रही हैं मोहल्ले में। माइंड योर लैंग्वेज। ये तू तू करके मुझसे बात मत करो तुम। आई एम नॉट योर नौकरानी। और होने दो बदनामी अगर हो रही है तो। अरे बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। माशाल्लाह, इसी बदनामी पर वीना मलिक ने कैसी इज्जत कमाई है उधर हिंदुस्तान में। न सिर्फ खुद इज्जत कमाई बल्कि पूरी फौज को इज्जत दिलवाई है। ISI लिखा हुआ था। उफ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है उसकी बेबाकी। कमबख्त की मारी जहन्नम में थी तो। ये जो मुंह छुपा के ना कुछ ज़हनी पसमांदा औरत लगती हो, इस उम्र में ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। हटे यहां से। कौन लगने लगा है प्यारा? मैं तो बस यूं ही कह रही थी खामखा। ज्यादा ऊंची उड़ान मत उड़ो बद्रिका, असूलन तो शादी पहले मेरी होनी चाहिए ना। तो कर लो, कौन रोकता है तुम्हें? ऐसे क्या CIA वालों की तरह देख रही हो मुझे? तुम्हें देख के ना मुझे एक शेर याद आ रहा है। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। बहुत बोल्ड शेर है। मुझे तो तुम भी खासी बोल्ड लग रही हो। पीले स्कूल की मैडम पर बद्रिका जहां ये सब कुछ जेब नहीं देता। क्यों, पीले स्कूल की मैडम क्या औरत नहीं होती, दिल नहीं होता उनका? ओहो, अपनी औरत होने का बड़ा एहसास जाग रहा है। कोई फायदा नहीं है। राजी तो अम्मा को होना पड़ेगा वरना मैं भी हशर बरवा कर दूंगी। ईशा के बाद उन्हीं लोगों के घर जाना है वदूद का रिश्ता लेके। उस दिन गटर में गिरा था, अल्लाह करे आज बिजली का झटका लगे इसको। होगा तो आज भी जरूर कुछ। मैंने भी बंगाली बाजी से वदूद के रिश्ते पे बंदिश कराई है। वैसे जादू टोने करवाना बहुत जाहिलाना गंदा काम है, समझे तुम? जादू टोना मैं नहीं कराती, बंगाली बाजी तो बड़ी शरीफ है, मजहब भी सिखाती हूं, बस कुछ पढ़ने पढ़ाने का बताती है और बस। खैर, शादी पर बंदिश तो तूने भी करवाई थी मेरे, है ना?
इसीलिए तो मुसलसल मुझे एक ही ख्वाब नजर आ रहा था कि कोई मोटी पीठ वाली औरत है पड़ पड़ के फूंक रही मेरे ऊपर। शक्ल तो मैं उसकी नहीं देख सकी मगर उसने लॉन का वही बड़ा फूलों वाला प्रिंट पहना हुआ था जो एक जमाने में तेरा फेवरेट था। मुझे क्या जरूरत है जादू टूने कराने की, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसे तावीज तक गंडे नहीं कराती। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तो सिर्फ बेजरर वजीफों पे यकीन रखती हूँ, अस्तगफुरुल्लाह मैं क्यों पढ़ू जादू शादू में। तो अपनी शादी के लिए लिया तूने कोई तावीज? अब देखो मेरे सेरे के फूल कब खिलते हैं। तू भी कोई दूल्हा है जो तेरे सेरे के फूल खिलेंगे जाहिल। बड़ी यही अलामा, कुछ ज्यादा ही काबिल बनती हो तुम। सेरे के फूल की मिसाल दुल्हन के लिए भी इस्तेमाल होती है, दुल्हन का भी सेरा होता है। वो तुमने रुश्दी का गाना नहीं सुना? पुराने पुराने गाने मत याद रखा कर, आजकल लोग गानों के हिसाब से उम्रों का औसत निकाल लेते हैं। ठीक कहती है बहन, बिल्कुल ठीक कहती है। नहीं नहीं, तो बहुत जनाना पोज है। अम्मा जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की देखने जाना है। अम्मा कैसे मौके की मुनासिबत से गाना चल रहा है ना? आइयो मेरे चांद, झुक जाइयो मेरे चांद, माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो बड़ा मर्दाना मर्दाना लगे है। बाबा की रूह जन्नत में झूम रही होगी, अल्लाह नजरे बद से बचावे। ला काला टीका तो लगा दूं। इलाही खैर, तेरी क्या ताई फूफी मर गई है जो तू यूं दिल दहलाने वाले बैंड डाल रही है? ये गंजी औरत ही तुम्हारे सब कुछ है? गंजी के लिए हमदर्दी है, हमारी तो कोई औकात नहीं। कैसे इसका ऊपर तक जाता हुआ चिकना फिसल पिंडा चूम रही थी? ये तो मेरा बेटा है, कुद्दूसी साहब की नस्ल तो इसी ने बढ़ानी है ना। बेटियां तो भैया पराया धन होवे हैं। तो फिर तुम क्यों ये धन पराओं के हवाले नहीं करती हो, क्यों फफूंदी लगा रही हो? हाँ? बासी कड़ी में उबाल। खजिस्ता मैं तेरी इन डिरामे बाजियों से तंग आ गई हूँ। बतेरा समझाया तुझे पर तुझ निगोड़ मारी को कुछ ना समझ आया। आइये अच्छी रही, पीस मुई पका मुई आए लौटे खा गए। अरे निगोड़े मुँह कमीने मर्दों की मोहब्बत में माँ को अपना दुश्मन समझे है? अरे मर्द की मोहब्बत के अलावा भी तुझे कुछ याद आवे है? माँ की मोहब्बत याद आवे है? कभी इसका ख्याल आवे है कि किस तरह पेट काट काट कर तुम हथिनियों को जवान किया है? ऐसी पाजी औलाद से तो मैं बांझ ही भली थी। मैं तो भैया खुद को ही कोस हूँ, अजीब ढप की पाजी औलाद है। आए कमबख्त नाशुदनी, तू तो जब ये भाई भाई करके रोवे है मेरा कोई ना कोई प्रोग्राम खराब होवे है। ये सुरख रंग क्यों पहन लेवे है मनहूस?
जरा अच्छी ना लगे। पहनूंगी मैं, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। अम्मा मत मुंह लगो इसके, ये तो चाहती है कि बदमजगी फैले ताकि सारा मामला ठंडा हो जाए। हाँ ये मामला भी ठंडा हो जाए और तू भी ठंडा हो जाए। बकवास बंद कर वदूद, जा जाके अकीला को बुला लाइयो और टैक्सी भी लेते आइयो। आने जाने का किराया ही 300 रुपए बन जावेगा। अकीला से कहियो कि आइंदा करीब करीब की लौंडिये देखे, ये ना होवे कि तेरी लौंडियों को देखने के चक्कर में हम कंगाल हो जावे। क्यों वदूद अहमद साहब? हाय अम्मा, कंगाल हो तुम्हारे दुश्मन? ये तो फिर हाय अल्लाह वाय अल्लाह करने लगे। ये तो है ही जन्म जन्म की मैली औरत, बेहूदगी पे आंखें निकाल देंगे खजिस्ता जहां। अम्मा अम्मा मैं अकेला भाभी को लेने नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं वापस से गिर ना जाऊं। अस्सलाम वालेकुम खाला, तैयार हो सब? जीती रहो, आओ। सब तैयार हैं? क्या हो गया? अच्छा अकेला भाभी तुम आ गई, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम सब तो रेडी हैं, बदर का आप ही अलबत्ता नहीं जा रही, और वजह वही पुरानी जेलसी। तुम जा रही हो? हाँ जा रही हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ है? जब अल्लाह को तुम्हें पैदा करते हुए कोई एतराज़ नहीं था तो मैं कौन होती हूँ एतराज़ करने वाली? वैसे बेवा होने के बावजूद ये रेड लिपस्टिक कुछ जेब नहीं दे रही। क्यों? कि बेवाओं के दिल मुर्दा होते हैं? अरे मेरे मियाँ ने तो मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मेरे मरने के बाद तुम इसी तरह सजी समरी रहना, रोज़ बाकायदा से आँखों में डोरे लगाना काजल के और रंगीन कपड़े पहनना, और ये सब कुछ मेरे बेटों के सामने कहा था। जब ही तो मेरे बेटे कहते हैं कि अम्मी आप हर वक्त तैयार रहा करो, ये हमारे अब्बू की ख्वाहिश थी। हाँ इसने ज़बरदस्ती अपने शौहर से ये बयान दिलवाया था क्योंकि वो तो दवाइयाँ खाने की जद में था ना। ऐसी औरतें चलाक ना बड़ी कामयाब रहती है दुनिया में। अकेला इसकी बातों का जवाब न दीजियो, दौरा पड़ा हुआ है इसे बातों का। ये कोई नई बात नहीं है, वैसे भी मोटी औरतों को ना बात दे बात गुस्सा आता है। अपना खाते है, तेरे बाप के घर का नहीं खाते। कैसी आ रही हूँ मैं? तुम क्या बन के आ गई? क्यों अच्छी नहीं लग रही, छोटी छोटी लग रही हूँ ना मैं, दो छोटी में। अकेला भाभी वो नीचे पंडित जी के साथ क्या सेटिंग हो रही थी बताना बताना। हट बेवता कहीं की। अरे वो आते जाते बेहूदगियां करता था, मैंने भी इसको ऐसी टिकाई कि याद रखेगा। ओहो वैसे अकेला भाभी एक्शन तो तुम्हारे भी बड़े खतरनाक थे। चुप। टैक्सी आ गई। अल्लाह इसके होंठ देखो, इसे कैसे गुलाबी किए हुए गंजी औरत ने। नेचुरल है, नेचुरल गुलाबी है, तुम्हारी तरह काले नहीं है। खैर खाला तुम्हारे तमाम बच्चों में ना फदूद ही एक प्यारा है, बाकी तो सारी बेचारियां हो मुझ पर गया है। बचपन में मैं बिल्कुल वदूद जैसी थी। हाय ला अम्मा, क्या बचपन में तुम भी गंजी थी? चुप कर चुप कर जा वदूद अहमद, बात सुन। यहाँ टैक्सी की जगह सीएनजी रिक्शा ले आइयो, तू और अकेला आगे बैठ जाएंगे। इतनी कंजूसी तो मत करो, बड़ा अच्छा लगेगा, पहली दफा हम किसी लड़की के घर जा रहे हैं और वो भी सीएनजी रिक्शे से उतरे। हाँ खाला मैं नहीं जाने लगी रिक्शे में, मेरा इतना महंगा बुरका है और उसमें तो उतरते चढ़ते सबके कपड़े फटते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कीले लगी हुई होती है। और सुनो तुम टैक्सी लेने जा रहे हो ना तो मेरी चंद बातों पे जरा गौर करना। टैक्सी वाला बूढ़ा नहीं जवान होना चाहिए, हाथ पांव जानदार हो और कदरे खुश शक्ल हो तो मुनासिब है। और ये कुत्ता माँ, ये तू टैक्सी वाले के लिए हिदायत दे रही है या खसम की डिमांड बता रही है? जी अम्मा है। अम्मा आए तो उठा मुझे, आ जल्दी अकेला किस कही हो जरा। खा लो तुम्हें जान की कसम खा लो। या अल्लाह तदी मेरे साथ क्या खेल खेल रही है।